हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बना रहे हैं भरवा परवल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने परवल ले लिया है और इन सारे परवलों को धो के हम छील लेंगे, इनका सारा छिलका उतार लेंगे। और ये हमने लिया है मसाले सारे, ये देख लें, ये बेसन है और ये हरे हैं हरे मसाले। तो इन सबको एक साथ पहले हम काट छील लेंगे। तो ये देखिए तैयार कर रहे हैं सब्ज़ी, पहले इसको दोनों साइड की टिप काट लेंगे और इसको छील लेंगे, सारा छील लेंगे। छीलने के बाद फिर हम धो लेंगे और अदरक और प्याज को भी हम छील के काट लेंगे। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो बढ़ाते हैं। ये देखिए खुरच खुरच के छीलना है, उसको काट के छिलका नहीं निकालना है। छिल गया है, ये देखिए धुल गया है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर के जो बीज हैं वो हमको निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको उठाएंगे और ये बीज से देखिए चीरा लगा देंगे। उसके बाद दोनों साइड से हल्का सा खोल देंगे, ये देखिए चाकू से खोल दिया और इसके अंदर से बीज इसी तरह से चाकू से निकाल लेंगे। ये देखिए सारी बीज हमारी निकल आई, ये देखिए इस तरह से सारी बीजों को निकाल देंगे। इसी तरह जितने भी परवल हैं सबकी बीज निकाल लेंगे। अच्छा ये भी है कि अगर ज़्यादा थोड़ा सा कट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम इसे बाइंड तो करेंगे ही। तो ये देखिए इस तरह से सारी बीज निकाल रहे हैं हम, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा कट ना जाए इस वजह से आराम से निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में निकालेंगे तो ज़्यादा कट जाएगा इसलिए, और अगर कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए हमने लिया है धनिया, ये चार चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है ना, बस उसी से चार चम्मच धनिया हमने लिया है, ये देखें। और ये है दो चम्मच ज़ीरा और दो चम्मच सौंफ। बस अब इसको हमें क्या करना है कि इसको एक पैन ले लेंगे और इसमें हम रोस्ट कर लेंगे। जलना नहीं चाहिए, खूब अच्छी खुशबू आ जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, बस इतना ही हमको इसे रोस्ट करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तक। मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और जो एक प्याज बड़े साइज़ की हमने काटी है दानेदार, उसको भी हम डाल के फ्राई कर लेंगे इसमें। प्याज हमारी देखिए फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल ले रहे हैं, सारी प्याज को हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसी पैन में जो हमारे पास बेसन था उसको भी हम इसी में भून लेंगे। तेल खाली करने की या इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आधी कटोरी बेसन है, इसको भी हम इसमें भून लेंगे। जलना नहीं चाहिए बेसन, और जैसे ही बेसन हमारा भुन जाएगा फौरन हम निकाल लेंगे। ये देखिए बेसन हमारा भुन गया है और हम इसको अब निकाल लिए। अब इस मसाले को हम भून लेंगे, ये भी ठंडा हो चुका है, पीस लेंगे। ये भी हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, पीस गया हमारा मसाला, ये देखिए। अब इसी मसाले में हम ये भी डाल देंगे। अब इसी में प्याज भी है और इसी में बेसन भी है और ये भुना मसाला भी है। अब जो मसाले हमारे पास बचे हैं वो स्पाइसी मसाले और ग्रीन मसाले हैं, वो भी हम डाल देंगे इसमें। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक और उसके बाद डाल रहे हैं चाट मसाला दो चम्मच। चाट मसाले से टेस्ट सब्जियों में बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हम डाल रहे हैं चाट मसाला दो चम्मच। अब हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। अब सारे मसाले हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं, अब लास्ट में हम मिला रहे हैं हरा मिर्च और इसी के साथ हम मिला देंगे। ये देखिए अदरक जो 3 इंच का टुकड़ा हमने रखा है, इसको हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। ये देखिए क्रश कर लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और पीसने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। पीस के थोड़ा सा पानी हो जाता है इसलिए हम इसे क्रश करके डाल रहे हैं। ये अदरक हमारी क्रश हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, कम से कम 2 चम्मच टेबल स्पून, ताकि ये मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए। इतना तेल आप डालिए कि मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए, ये देख लीजिए इस तरह से।
बस मसाला हमारा तैयार है। तो बस हमें क्या करना है कि परवल हम ले लेंगे और इसके अंदर सारे मसालों को अपने स्टफ़ करते जाएंगे। आपको अगर आसान लगे तो आप चम्मच से भर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हाथ से ज़्यादा अच्छे से भर जाता है और आपको आइडिया भी हो जाता है कि मसाला ठीक से अंदर भर गया है, तो हम हाथ से ही भर रहे हैं। तो अब हमने परवल ले लिया है और हमने ले लिया है धागा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे बाइंड करके और जल्दी जल्दी धागा लपेट देंगे। ये देखिए, इस तरह से लपेट देंगे। इसको लपेटने से ये होगा कि हमारा मसाला खुल के बाहर नहीं आएगा। तो सारे परवल को हम इसी तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक रील ले लीजिए और उसी से आप लपेटते जाइए। ये तैयार हो गया हमारा सारा परवल। अब मसाला इससे बाहर नहीं आएगा। ये देखें, तैयार हो गया हमारा बंधा हुआ परवल। अब हमने ले लिया है एक पैन और पैन में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल, 2 टेबलस्पून तेल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि तो हल्का सा तेल हमारा गर्म हो जाएगा, बस इसी में हम डाल देंगे अपने सारे परवल। 1 बाय 1 करके इसमें डालिए, एक तरह से नहीं डालिएगा। इस तरह से सारे परवल को बिछा दीजिए इसके अंदर और बस इसको धीरे धीरे, ये देखिए, इसको ढक दीजिए। 3 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है और उसके बाद जब हम खोलेंगे तो इसको पैन का स्टैंड पकड़ के ही हम इसे घुमाएंगे, ना कि चम्मच से घुमा के। इसकी ऐसी की तैसी नहीं करना है। तो ये देखिए, हो गया एक साइड से। फिर हमने इसको इस तरह से घुमा दिया, अब फिर हम ढक देंगे। टोटल हमको इसको 20 मिनट लगा है घुमा घुमा के, और एकदम स्लो आँच पर हमने इसको पकाया है। ये देखिए, तैयार हो गया और एकदम गल भी गया है हमारा परवल इस तरह से। तो तैयार है हमारा स्टफिंग परवल, यानी भरवा परवल। तो आप इसको बनाइए और इसमें क्या कमी है या बहुत अच्छा बना है, आप इसको कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप बनाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। प्लीज़ देखने के बाद लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।